रिटर्न हो गया है और साथ ही साथ भाई रोमन मनी इंडिया बैंक के अंदर 3.5 ईयर्स के बाद पिन हो चुके हैं। तो हमने सोचा भाई क्यों ना आज तीन अलग सीना और तीन अलग रोमन्स का मैच कराया जाए, क्योंकि अब भाई समर स्लैम पीपी आ रहा है जिसके अंदर भाई रोमन ने दो लेजेंड्स के साथ अपनी स्टोरी लाइन को फिनिश करा था। पहले लेजेंड थे भाई जॉन सीना एंड सेकंड लेजेंड थे भाई हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। आगे भाई हम रोमन थ्री डिफरेंट रोमन वर्सेस थ्री डिफरेंट ब्रॉक का मैच कराएंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हो यार, अगर आपको जरा मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और फिलहाल आ रहे हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और भाई रोमन डिफीट हो चुके हैं मनी इन द बैंक के अंदर। अब देखते हैं समर स्लैम में रोमन का मैच किसके साथ हमें देखने को मिलता है। वैसे भाई जॉन सीना का भी बहुत सारा बारों से हो रहा है कि जॉन सीना मनी द बैंक के अंदर रिटर्न आते हैं। पहले बार जॉन सीना मनी द बैंक के अंदर रिटर्न आए थे, पर वो रोमन के अगेंस्ट में आया था, उनका समर स्लैम में मैच देखने को मिला था। तो आज भाई देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। तीन डिफरेंट रोमन वाली या तीन डिफरेंट सीनाज वाली। हर भाई रोमन भी आ रहा है अलग अलग टाइम के और सीना भी अलग अलग टाइम के हैं। चलो भाई रोमन की एड्रेस को स्किप करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट रोमन कौन से आ रहे हैं। ओके टाइटन तो भाई सबका सेम ही रहेगा। ओके तो अब आ रहे हैं भाई बिग डॉग वाले रोमन। ये भाई रोमन का ऐसा टाइम था जिस समय भाई रोमन बेबी फेस थे और उन्हें बू मिलती थी, और अब भाई रोमन हील है और अब भाई उन्हें फेस वाला रिएक्शन देती है पब्लिक। तो ये एक तरीके देखा जाए तो रोमन के नेगेटिव टाइम्स में से एक था, पर भाई रोमन ने इसमें काफी बड़े बड़े काम करे हैं। जैसे ब्रॉक लेसनर को भाई रोमन ने बिग डॉग के टाइम पे भी डिफीट किया, अंडरटेकर को भी भाई रेसलमेनिया में हरा चुके हैं रोमन बिग डॉग के टाइम पे। तो रोमन ने भाई काम तो बहुत बड़े बड़े करे हैं। चलो भाई बिग डॉग वाले रोमन के एड्रेस को स्किप करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट रोमन कौन आ रहे हैं। ओके भाई तो अब आ रहे हैं हमारे शील्ड वाले रोमन। शील्ड वाले रोमन भाई करियर रोमन ने मेन रोस्टर पे भाई शील्ड के साथ ही रोमन ने डेब्यू किया था, और शील्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन है WWE की। रोमन ने भाई दो बहुत ही बढ़िया फैक्शन हमें दी है WWE के अंदर, पहली शील्ड एंड सेकेंड ब्लड लाइन। चलो भाई रोमन की एंट्रेंस को स्किप करते हैं, आप देखते हैं तीन डिफरेंट सीनास की एंट्रेंस। अब आ रहे हैं भाई हमारे जॉन सीनिया लेटेस्ट वाले भाई हमारे जॉन सीना आ रहे हैं। चलो भाई तीनों सीनास की भी थोड़ी थोड़ी एंट्रेंस देखते हैं। और यार आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन से टाइप के मैचेस और कैसे मैचेस देखने हैं, और जो भी भाई मुझे आइडिया अच्छा लगेगा तो मैं डेफिनेटली उसे कराने की कोशिश करूंगा। तो भाई कमेंट में जरूर बताना। चलो भाई सीना की भी एड्रेस को स्किप करते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट सीना कौन आ रहे हैं। ओके तो अब आ रहे हैं भाई पुराने जॉन सीना 2013-14 के अराउंड के भाई ये सीना है। और सीना का देखा जाए तो हाईएस्ट करियर की पीक सीना ने इस समय अचीव करी थी अपने, क्योंकि इस समय भाई जॉन सीना काफी ज्यादा पॉपुलर सुपरस्टार हो गए थे और उन्होंने काफी बड़े बड़े काम इसी एरा के टाइम पे करे हैं। इसलिए भाई ये वाले जॉन सीना भी है गेम के अंदर, और भाई सीना में हाईएस्ट रेटेड सीना में से एक है ये। तो भाई इन वाले सीना को भी हल्के में नहीं ले सकते। चलो भाई इन जॉन सीना की वेंटर्स को स्किप करते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट कौन आ रहा है। ओके भाई तो अब आ रहे हैं डॉक्टर ऑफ थर्नोमिक्स वाले सीना, और इनका तो भाई इंट्रोडक्शन क्या ही कराना है। सीना का भाई पहला सबसे पहले भाई डॉक्टर ऑफ थर्नोमिक्स वाले कैरेक्टर के साथ आए थे सीना। चलो भाई सीना की थोड़ी एंट्रेंस देखते हैं फिर स्किप करेंगे। चलो अब स्किप करते हैं सीना की एंट्रेंस को और मैच को करते हैं स्टार्ट। सबके पास में भाई दो फिनिशर्स हैं और नॉकआउट होना है मैच के अंदर, एलिमिनेशन भी होना साथ के साथ। ओके देखते हैं भाई क्या करेंगे आते ही। ओके सीना कॉर्नर पर सेट कर रहा है रोमन को। ओ भाई ऊपर भी चढ़ा दिया रोमन को, क्या सेकेंड रोप एटीट्यूड एडजस्टमेंट कनेक्ट होगा सीना की तरफ से। भाई 2K22 जैसा हो गया कुछ कुछ गेम, अब काफी टाइम से पहले मारते थे भाई 2K22 के अंदर सीना, ये लो भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट और कनेक्ट भी हो गया भाई सेकंड रोप एटीट्यूड एडजस्टमेंट। 1 2 ओके भाई बिग डॉग वाले रोमन सेव करने की जगह उधर सीना को क्यों मारने जा रहे थे, रेड वाले सीना को। ओके भाई सीना को हम लोग
कलर से पहचान करेंगे, और रोमन के तो भाई करेक्टर्स ही अलग अलग है, तो रोमन की तो भाई बहुत ही ज्यादा आसानी से पहचान हो जाएगी मैच के अंदर। और फिलहाल रोमन डोमिनेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर सीना ने ऑलरेडी एक फिनिशर लगा दिया है, तो रोमन वीक तो हो गए हैं। और रोमन कॉर्नर पर जा रहे थे स्पीयर लगाने के लिए, पर सीना पहले ही उठ गए, और नीचे भाई 2014 वाले जॉन सीना और 2016 वाले रोमन लगे हुए। और ये लो भाई रोमन की तरफ से सुपरमैन पंच एंड स्पीयर टू सीना, और इसी के साथ सीना मैच के अंदर से एलिमिनेट हो चुके हैं और टैग मिल चुका है फिलहाल बिग डॉग को। चलो भाई बिग डॉग वाले रोमन देखते हैं क्या करते हैं। डॉक्टर ऑटोनॉमिक से तो भाई लात खा ली है रोमन ने आते ही, भाई क्या सल्यूट मार रहे हैं यहाँ सीना। ओके क्या बॉस्ड मूव थी यार, ये दोनों को ही लग गई। ओके रोमन को फिलहाल अंदर फेंक दिया सीना ने, और सीना भाई टेबल खाली कर रहे हैं, वाह ये वाले सीना को तो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहा है। चलो रिंग के अंदर आ रहे हैं फिलहाल सीना। ओके फिलहाल डॉक्टर ऑफ थाउनॉमिक्स वाले सीना स्टंड हो चुके हैं, और रिंग के अंदर फाइनली आ गए हैं भाई 2014 वाले सीना। ओके कॉर्नर पर फिलहाल मार रहे हैं सीना को, और बिग डॉग यार फिलहाल डोमिनेट करने में लग रहे हैं, फिनिशर विनिशर लगाओ यार फिलहाल, क्योंकि डॉक्टर ऑफ थाउनॉमिक्स वाले सीना स्टंड है, तो ये बेस्ट टाइम था फिनिशर लगा के पिनफॉल कराने का, पर अब लगाने चले हैं भाई जब वो ऊपर आ गए फिनिशर। चलो यार कोई नहीं। ओके रोमन की तरफ से स्पीयर, चलो भाई कर रहे हैं आके भाई सेव कर लिया है, ये भाई सीना के सबसे यंगर वर्जन है तो भाई फुर्ती बहुत ज्यादा है भाई। ओके सीना ने रिवर्स करा और सही है भाई सीना निकल गए मैच से बाहर। अब 2014 वाले सीना के लिए दिक्कत हो गई है मैच के अंदर, एक सीना भाई ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी रोमन की टीम अभी फिलहाल काफी ज्यादा हेवी हो गई है। और ये लो भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट, ओके भाई अब लग रहा है शायद बराबरी पर आ सकती है, एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट और भाई 2016 वाले बिग डॉग एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके और ट्राइबल चीफ से मत उलझो यार, बिग डॉग से कितना ही लड़ लो पर ट्राइबल चीफ से मत उलझो, और भाई बिग डॉग को नी टू द जॉ और नीचे जा चुके हैं फिलहाल सीना। यार ट्राइबल चीफ वाले रोमन से पता नहीं क्यों फालतू पंगे ले रहे हैं, अभी यार फायदा भी नहीं है यार कोई, एलिमिनेट भी नहीं होंगे फिलहाल ट्राइबल चीफ वाले रोमन। ओके फिलहाल रोमन को कॉर्नर पे बैरिकेड्स पे मारा सीना ने, और सीना ने यार निकाल लिया स्टील स्टेप्स और लगा भी दिए, वाह। और उधर भाई शील्ड वाले रोमन ने 2003 वाले सीना को भी स्टंट कर दिया, वाह डॉक्टर ऑटोनॉमिक्स वाले सीना स्टंट हो गए, अलग ही चल रहा है एक दूसरे के टीम ओपोनेंट्स को मारने है। और ये लो भाई सीना ने बदला ले लिया फिलहाल, दोनों रोमन स्टंट कर दिया भाई सीना ने, तो वैसे सीना की टीम में तीनों बंदे तो है ही नहीं, एक ही बंदा है तो एक ही स्टंट कर पाते। ओके डॉक्टर ऑर्थोगनॉमिक्स वाले सीना की जान को पता नहीं क्यों पड़ रहे हैं फिलहाल सारे के सारे रोमन्स, भाई उन्होंने करा क्या ऐसा। ओके थ्री तक काउंट हो चुका है भाई, जल्दी रिंग के अंदर जाओ बाहर ही, काउंट आउट होने से बुरी चीज भाई कुछ नहीं हो सकती फिलहाल मैच में, और रोमनों को तो भाई इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही रोमन एलिमिनेट होंगे, पर सीना को डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। ओके सिक्स तक टाइम भाई, रेफरी थोड़ा धीरे धीरे गिन ले यार। ओके बैरिकेड पे मारा रोमन को, और रिंग के अंदर फिलहाल शील्ड वाले रोमन पर हो चुका है फिलहाल सीना का टारगेट, 8 हो चुका है और भाई उठ गए बिग डॉग वाले रोमन फाइनली उठ चुके हैं, 9 भाई कहां से घूम रहे हो, अरे यार 10 ओके भाई यार 10 हो चुके हैं, वो तो 15 सेकंड्स तक का काउंट आउट है मैच में, पर 10 भी भाई बहुत ज्यादा हो गया है। अब रिंग के अंदर जाओ, रेफरी 15 पे नहीं रुकने वाला है, अच्छा हाँ अब तो रिवर्स ही हो गया यार काउंट आउट, और रोमन का यार प्यार क्या ग्लिच हुआ था अभी। चलो रिंग के अंदर सीना यार जाओ यार, सीना पता नहीं कहाँ ग्लिच हो रहा है, रिंग के अंदर नहीं जा पा रहे। ओके ब्रॉक लेसनर सीना को फिलहाल बैरिकेड के ऊपर फेंक दिया है बिग डॉग ने, और यार रोमन क्या कर रहे हो, स्टील स्टेप्स यार सुपरस्टार्स को स्टील स्टेप्स आजकल ज्यादा ही पसंद आ गए, देखो भाई उठाया फेंक दिया, पता नहीं यार स्टील स्टेप्स उठाई या तो उठाओ मत देखो, और उठा रहे हो तो मारो तो सही कम से कम। ओके 8 तक काउंटिंग हो चुकी है, तो रिंग के अंदर आज चलो क्योंकि 15 सेकंड्स तक ले जाना खतरनाक है, इसी हिसाब से खेलो कि 10 पे एलिमिनेट हो जाओगे। ओके 10 हो चुके हैं, और अब भी दोनों सुपरस्टार्स लगे पड़े हैं भाई नीचे ही,
चलो सीना भाई ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में सीना को पता नहीं ट्राइबल चीफ वाले रोमन की याद आ जाती है, फिर भाई देखना उन्हीं को मारना है। हाँ पता था, पता नहीं भाई सीना कौन सा अपना परस्पेक्टिव चेंज करता है, अचानक से बिग डॉग से ट्राइबल चीफ में मारने पर आ जाता है सीना। ओके रोमन फिर से स्टंट हो चुके हैं, रिंग के अंदर घुस चुके हैं फिलहाल बिग डॉग, और उनके टारगेट पर डॉक्टर ऑर्थोगनॉमिक्स वाले सीन आ गए। वाह भाई ये बंदे आपस में एक दूसरे को वीक करने की जगह एक दूसरे के टीममेट्स को वीक कर रहे हैं। ओके भाई तो शील्ड वाले रोमन फिलहाल मैच के अंदर आ चुके हैं, और शील्ड वाले रोमन भाई नीचे भी चले गए आते। अच्छा भाई स्टील स्टेप्स फेवरेट चीज, अब भाई अलग स्टील स्टेप्स खोलेंगे शील्ड वाले रोमन, ये नहीं जो खुले हुए हैं भाई उन्हें ले ले, और फेंक भी दिया भाई। वाह भाई डॉक्टर ऑर्थोगनॉमिक्स वाले सीना से क्या चुल मच रही है, और वहां पे डॉक्टर ऑर्थोगनॉमिक्स को पीट रहे हैं, वहां पे बिग डॉग और ट्राइबल चीफ दोनों पीट रहे हैं, और शील्ड वाले रोमन भाई जाके पकड़ते क्यों नहीं है उन सीना को। फिर आए भाई ये सीना यहाँ खड़े होता है तभी पिटता है, ऐसे तो नीचे ही खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए जब तक टैग देने नहीं आ रहे वो। ओके सीना फिलहाल स्टंड है, और मेन सीना भाई आ चुके हैं हमारे, और मेन रोमन पता नहीं अलग ही घूम रहे हैं भाई, एक दूसरे को मारने से ज्यादा इनको अपने टीममेट्स को मारने में ज्यादा मजा आ रहा है पता नहीं क्यों। ओके ट्राइबल चीफ ने अब की रिवर्स कर दिया, अब पता चल गया भाई रोमन को कि अल्ले दे के मारने मुझे आ रहा है, तो रोमन अब काफी सतर्क होके खड़े हैं। ओके नीचे हो गए फिलहाल सीना, ओ भाई क्या क्लोज लाइन लगाई है यार भाई, क्या ड्रामे चल भाई, अलग ही ड्रामेबाजी चल रही है मैच में। ओके फिलहाल बिग डॉग वाले रोमन ने डॉच किया मूव को बहुत ही बढ़िया तरीके से, और डोमिनेट भी कर रहा है मैच में बिग डॉग वाले रोमन हो, शील्ड वाले रोमन हो, ट्राइबल चीफ रोमन हो, भाई सबका पंच पड़ता जोर से है क्योंकि 99 ओवरऑल है भाई गेम के अंदर। ओके ट्राइबल चीफ को फिर से स्टंट कर दिया है, और सीना भाई इनकी हेल्थ बाहर से तुम खुद देखो ऐसा लग रहा है भाई रोमन रेंस शील्ड की जगह रोमन रेंस अंदर है अभी मैच के अंदर, हेल्थ बाहर देखो भाई सबके। ओके सीना कॉर्नर भाई, सीना कॉर्नर पर हो जाते यार, और ये लो भाई स्पीयर यार, इससे तो खिसक ही रहते थे यार, कॉर्नर पर खिसक जाते तो स्पीयर नहीं लगता। आगे सेव कर लिया सीना ने भाई सीना को सेव कर लिया, चलो ठीक है। और सीना की टीम से भाई ऑलरेडी एक एलिमिनेशन हो चुका है, अब एक भी सीना गए तो क्लियरली भाई रोमन की टीम जीत जाएगी, तो अगर रोमन्स को जीतना है तो थोड़ा सा भाई मैच के अंदर कंट्रोल बना के रखना होगा, और एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने की कोशिश थी जिससे रिवर्स कर दिया, और सीना ने भी अब रिवर्स कर लिया भाई बदला लेकर, और ये लो भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट। चलो भाई इतना तो रिकॉर्ड बन गया, चाहे कोई एलिमिनेट हो ना हो तीनों रोमन्स ने एक एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट तो खाया है। ओके सीना ने फिर तो उठाया और एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने जा रहा है, पर इस बार भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट रिवर्स हो गया। चलो सीना ने फिर से रिवर्स करा क्लोज लाइन, ओ भाई क्यों रिवर्स करा था बिग डॉग वाले रोमन का पंच, पर भाई पड़ी गया, ट्राइबल चीफ ने बीच में दखल दी इसलिए भाई पड़ी गया सीना में, दोनों से हो गई, टैग मिल चुका है फिलहाल ट्राइबल चीफ वाले रोमन को, और जॉन सीना भाई 2014 वाले की जान निकली पड़ी है जिन्हें टैग मिल रहा है। ओके स्पीयर लगाने जा रहा है रोमन, क्या ये स्पीयर कनेक्ट होगा, लो भाई इसी के साथ एलिमिनेट हो चुके हैं हमारे सेकंड सीना, और अब भाई यंगेस्ट सीना बचे रिंग के अंदर, और अब भाई मुझे सीना को अलग अलग से इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ेगा, अब ये भाई एकलौते सीना मैच के अंदर डॉक्टर ऑफ थग्नोमिक्स वाले, और भाई ये वाले सीना तो चीटिंग करके जीते कैसे भी जीते, बस इनके लिए जीतना इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज पे लगे रहे, पावर स्लैम सीना की तरफ से पंच भी लगा रहे हैं भाई, हील करेक्टर की तरह ही काम कर रहा है पूरा सीना, और सीना भाई कॉर्नर पर क्या जा रहे हो यार, कॉर्नर पे क्या ही करेंगे सीना। ओ भाई वाह सीना ने लो ब्लो लगा दिया रोमन के साथ, भाई कुछ गलत ही चल रहा है अभी मनी इन द बैंक में, रोमन ने लो ब्लो लगाया जेउसो से, अब जॉन सीना से जे लो ब्लो खाया, अलग ही चल रहा है भाई वन, और भाई ये वाले काम सारे के सारे ये वाले जॉन सीना तो कर सकता है, डॉक्टर ऑर्थोगनॉमिक्स वाले सीना को बस जीतने से मतलब है चाहे कैसे भी जीतो। ओके टैग मिल चुका है फिलहाल शील्ड वाले रोमन को, यंगेस्ट रोमन आ चुके हैं फिलहाल मैच में, और एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने जा रहे हैं, क्या ये एटीट्यूड एडजस्टमेंट कनेक्ट होगा, ये लो भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट, और अब भी एलिमिनेट नहीं हुए यार, क्या चल रहा है ये भाई, डर्टी पिन करा रहे थे रोमन, रोमन बोल रहा भाई सीना ये काम भाई रोमन करते हैं मैचों में, निकल भी मुंह से रोमन ही रहा। ओके रिवर्स कर दिया फिलहाल रोमन ने, ठीक है यार, और सीना यार अच्छा खासा मैच में परफॉर्म कर रहे हैं ये तो बात कहनी पड़ेगी।
ओके, रोमन लेग वीक कर रहा है सीना का, और वो भी पता नहीं क्यों। स्पीयर वियर लगाओ तो शायद ये वाले सीना भी एलिमिनेट हो जाए। और भाई रोमन रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, तीनों सीनाओं में से यार एक भी वैसे एलिमिनेट नहीं करवाया किसी भी रोमन को अभी तक तो। ओके, कॉर्नर पर स्पीयर लगाने जा रहे थे पर पहले ही उठ गए भाई सीना, चलो बच गए, एक स्पीयर से तो एटलीस्ट बच गए। और पता है भाई स्टील स्टेप्स उठा रहे होंगे, हाँ यार स्टील स्टेप्स ही उठाते हैं सारे सुपरस्टार्स। वाह, एक स्टील स्टेप लेके दूसरे स्टील स्टेप की वजह से ग्लिच हो गए, छोड़ दिया चलो स्टील स्टेप, अब तो निकल आओ यार रोमन। भाई मुझे लग रहा है रोमन ग्लिच हो गए, चलो रोमन पीछे की तरफ चले गए, आगे नहीं गया, जाया गया अगर रोमन से। रिंग में घुसो यार सीना, वहां से पंच दिखा रहा है सीना और अंदर टॉन्ट मार रहे हैं बिग डॉग वाले रोमन। भाई देखा जाए तो सारे के सारे रोमन फिलहाल मैच के अंदर बहुत ज्यादा पिटे हुए हो रहे हैं, और यही बात सीना के लिए, सीना भी पिटे हुए हैं, और सीना के लिए सारे के सारे सीना क्या भाई, अब इकलौते सीना बचा है मैच के अंदर। भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी अब सीना को, 99 ओवरऑल वाले तीन रोमनों के सामने सीना अकेले खड़े हैं। ओके, बिग डॉग वाले रोमन ने फिर से रिवर्स करा, और रिंग के अंदर ले जाओ स्पीयर वियर लगाओ ताकि मैच खत्म हो सके यार। और सीना यार एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाओ भाई, F5 नकल छपर लगाओ, कुछ भी लगा लो यार, पर कुछ तो लगाओ एटलीस्ट। ओके, फिर से बिग डॉग वाले रोमन को स्टील स्टेप्स चाहिए, और भाई इस बार शील्ड वाले रोमन पे बैठते, उन्हें पता है सीना ले देगी यार मारने, उन्हें भी आ जाते हैं यार। ट्राइबल चीफ वाले रोमन को भी तक समझ नहीं आया शायद कि भाई सीना दूसरे रोमन को मारने में ज्यादा इंटरेस्टेड है फिलहाल। भाई सीना टॉन्ट मार रहे हैं मजे में, वाह। चलो बिग डॉग वाले रोमन को गुस्सा आया पर सीना ने भाई रिवर्स कर दिया। सीना इतनी देर से रोमन से ही लड़ रहा है तो हर रोमन की मूव्स पता चल गई है सीना को, और जंपिंग क्लोज लाइन, फिर से स्टील स्टेप्स उठा लिए भाई ये बिग डॉग वाले रोमन को, स्टील स्टेप से क्या हो गया। ओके, सीना ने रिवर्स करा और फिर से ट्राइबल चीफ वाले रोमन पे चला गया था भाई सीना का फोकस। पता नहीं सीना को दूसरे पार्टिसिपेंट्स को मारने में ज्यादा इंटरेस्ट है। लो अब शील्ड वाले रोमन को देखने लगे अब सीना। शील्ड वाले रोमन भाई पूरे मैच में सब कुछ आ गया भाई, कैसे बचना सीना से, हर बार रिवर्स कर देते, और भाई सीना ने क्या रिवर्स करा, वरना भाई स्टील स्टेप्स लग जाते अभी सीना के। ओके, सीना ड्रैग करके ले जा रहा है फिलहाल बिग डॉग वाले रोमन को, अच्छा है वहां नहीं सेट किया वरना टैग मिल जाता। और लो स्टील स्टेप्स उठा लिया भाई सीना ने भी, फाइनली रोमन के अलावा किसी ने मैच के अंदर स्टील स्टेप्स उठाए, और उठते ही स्टील स्टेप भी लगा दिया, सही है। चलो सीना ने स्टील स्टेप्स का कुछ ढंग का प्रयोग किया, न्यू रोमन को टैग मिल चुका है, मतलब ओल्ड रोमन कह सकते हैं आप इसे सबसे ज्यादा। और एक और बार स्टील स्टेप्स फेंक के भी मार दिया लगाने के साथ साथ, और फिर से उठा रहे हैं सीना स्टील स्टेप्स को। क्या हुआ भाई इस कोने पे, क्या करेंगे यार स्टील स्टेप्स के साथ सीना, पता नहीं भाई कौन ही दिख रहा था सीना को उस कॉर्नर पर। ओके, सीना को भाई लेके खड़ा होने नहीं चाहिए था, स्टील स्टेप्स फिलहाल कवर करा रहे हैं, 1 2 किक आउट कर दिया सीना ने अभी तो। अरे यार कुछ फिनिशर विनिशर लगाओ, टैग मिल चुका है फिलहाल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, और क्लोज लाइन के साथ कॉर्नर पर सेट कर दिया सीना को, सीना ने रोमन को। ओके, शील्ड वाले रोमन को डाउन कर दिया फाइनली सीना ने। सीना की भाई यही तमन्ना थी, सीना ने कम से कम 10 से 12 बार कोशिश की थी, अब जाके हो गया, और फेस प्लस ट्राइबल चीफ को फिलहाल। और सीना भाई मैच के अंदर अभी भी टिके हुए हैं तीन तीन रोमन्स के सामने, ये तो कहना पड़ेगा यार सीना ने नेक्स्ट लेवल चीज करके दिखाई है, फर्स्ट टाइम कोई रोमन्स के सामने इतनी देर टिका, वो भी तीन तीन, भाई एक रोमन नहीं झेला जाता तीन बंदों से, यहाँ तीन रोमन एक बंदा झेल रहा है। ओके, सुप्लेक्स रोमन की तरफ से, 5 तक काउंटिंग हो चुकी है, 10 सेकेंड्स बचे हैं, अभी लड़ लो यार जितनी देर लड़ना। सुप्लेक्स, वाह सीना का स्टंट मीटर आ चुका है, अगर आप सीना स्टंट हुए तो भाई मैच में कोई नहीं जिता सकता आप सीना को। रोमन की तरफ से यूरेन आ गई, रोमन भाई लगातार उठा के लगे हुए हैं, चलो रिंग के अंदर घुस गए रोमन। रोमन को अब भी लग रहा है 10 सेकेंड्स की काउंटिंग है, सही है भाई 15 सेकेंड्स में सुपरस्टार्स को ये लगता है। और भाई शील्ड वाले रोमन ने स्पेशली सीना को बचाया वरना काउंट आउट हो जाते सीना। ओके, रोमन कॉर्नर पर जा रहे हैं स्पीयर लगाने के लिए, क्या ये स्पीयर कनेक्ट होगा, भाई जीत गया है रोमन अगर अभी स्पीयर लग गया। ये क्या था भाई, ये क्या हुआ, सीना घिरे भी नहीं,
स्टंट भी हो गए, स्पीयर लगा भी नहीं, लग भी गया, अलग ही हुआ भाई गुस्से। और डबल टीम बिग डॉग और ट्राइबल चीफ की तरफ से। चलो भाई अलग ही टाइप का स्पीयर देखने को मिला आज गेम के अंदर। भाई 2K के ग्लिचेस खत्म नहीं होते हैं। ओके रोमन हाई फ्लाइंग सुपरस्टार वाली मूव क्यों मारने जा रहा है भाई। ओके ये भी भाई सीना के आर पार हो चुकी है। सीना अब फिलहाल गेम के अंदर हैकर बन चुके हैं। सीना के आर पार सब कुछ हो जाता है क्योंकि अब अगर सीना का पिनफॉल हुआ तो भाई सीना गए, खत्म है भाई सीना। तो अब सीना ने पता नहीं गेम की कोडिंग में कौन सी हैकिंग करी है कि उनके आर पार निकल जाती है सारी पावरफुल मूव्स। टॉप रोप के ऊपर से कूदना स्पीयर तो भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती। जाते भाई सीना डेफिनेटली जाते। ओके सीना यार कॉर्नर पर क्यों जाते हैं। ओ भाई सीना ने मूव थीफ यूज कर दिया है। क्या ये कनेक्ट होगा मूव थीफ। ये लो भाई सीना की तरफ से स्पीयर और इसी के साथ पहले रोमन मैच में से एलिमिनेट हो चुके हैं जो कि हैं बिग डॉग वाले रोमन। भाई सीना ने कुछ नेक्स्ट लेवल कर दिया और भाई यू कैन सी में दिखा दिया सीना ने क्या एटीट्यूड एडजस्टमेंट कनेक्ट होगा। ये लो भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट और टायर्ड फिनिशर के साथ शील्ड वाले रोमन भी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब सिर्फ ट्राइबल चीफ रोमन बचे हैं। क्या भाई सीना कुछ कर पाएंगे अब इनके सामने। और हैमर निकाल के आ चुके हैं रोमन फिलहाल। नीचे उतर गया सीना। चलो अंदर घुसे और इसी के साथ भाई टीम रोमन रेंज जीत गई एक हैमर के साथ। भाई आप लोग बता रहे क्या है मैच दोबारा कराएं। और अगर आपको वीडियो में सारा मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए टेक केयर।